ये है दिल्ली दर्पण। वाहेगुरु 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 वाहे जियो। गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहिब में डिजिटल दान केंद्र की शुरुआत की गई है, जिसके बाद ये गुरुद्वारा दिल्ली का ऐसा दूसरा गुरुद्वारा बन गया है जिसमें डिजिटल दान केंद्र की सुविधा मौजूद है। इससे करीब 2 महीने पहले इस डिजिटल दान केंद्र की शुरुआत बंगला साहिब गुरुद्वारे से हुई थी। आपको बता दें कि लक्ष्मी विलास बैंक के सहयोग से इस डिजिटल दान पात्र को लगाया जा रहा है, जिसकी मदद से लोग प्लास्टिक मनी द्वारा गुरुद्वारे के अलग अलग डिपार्टमेंट में डोनेशन कर सकते हैं। इस डिजिटल दान केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचे दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका, जिन्होंने इस दान केंद्र के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। आज दिल्ली दे विच दूसरी डिजिटल गोलक लगी है, जिहड़ी पहली 2 महीने पहले बंगला साहब गुरुद्वारा साहब लगी सी, और आज गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहब विखे। मैं समझदा वहां कि इस गोलक दे लगन दे नाल जिथे लोगों दे विच बहुत वड्डी सुविधा हुई है, लोगों नू एक डिजिटलाइज दे नाल, क्योंकि अजकल ई पेमेंट का रिवाज है, और ई पेमेंट के हिसाब के नाल कार्ड के नाल SMS के जरिए, और ये भावें असी इत संगत इतने आए और घर जाके भी असी पेमेंट कर सकता है। यदा बहुत फायदा जिते संगत को हो रहा अपना दसवंध कड़न, उत्तर गुरु घर के भी गोलक दे विच एदा इजाफा होया। और ये मैं समझदा वा कि जी लोगों के विच नवा युग जिस तरह चल रहा है, 21वीं सदी के विच बहुत जरूरत सी ऐसी डिजिटलाइज गोलक दी, और एदा उपराला जिहड़ा असी 2 महीने पहले शुरू किया सी। इस मौके पर मौजूद दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य भी खुश और संतुष्ट नजर आए और इस पहल को जरूरी और अच्छा कदम बताया। कोई भी गुरु नानक नाम लेवा संगत जो यहाँ पे आती है, वो अपने मोबाइल से, अपने ऑनलाइन से या अपना दान करके जा सके। कईयों के पास ऑनलाइन कार्ड भी होता है, उससे भी यहाँ ये आज गोलक जो है यहाँ संगतों के लिए यहाँ खोली गई है। और मैं उम्मीद रखता हूँ, आस रखता हूँ कि यहाँ संगते बढ़ चढ़ के अपने माया को दान दे के गोलक में डाल के अपना जीवन और अपनी माया को सफल करेंगे, और दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुधामों की जो सेवा हो रही है उसमें अपना योगदान देंगे। ये एक ऐसी सहूलत मिली है संगतानू जिदे नाल अज प्लास्टिक मनी के थ्रू, कार्ड्स के थ्रू, तो SMS के राही श्रद्धालु जड़े ने जड़े इतने आते हैं वो इतने आके डोनेशन कर सकते हैं। इस डिजिटल दान केंद्र के लिए सहयोग करने वाले लक्ष्मी विलास बैंक की करोलबाग ब्रांच से आई रुचि मेहरूत्रा ने भी इस डिजिटल दान पात्र से होने वाले फायदों के बारे में बताया। ये मशीन स्पेसिफिकली इस पर्पस को प्रमोट करने के लिए है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, पब्लिक को कन्वीनियंस रहे डोनेशन के लिए। वो डोनेशन दे कैन डू इन अ फॉर्म ऑफ प्लास्टिक बाय यूजिंग प्लास्टिक मनी ऑल्सो, विच इज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और इवन बाय SMS ऑल्सो। देश को डिजिटल युग की तरफ ले जाने वाला गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहिब का ये कदम वाकई सराहनीय कार्य है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन सोनू के साथ डिंपल भारद्वाज की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर